अधिकारियों व लोगों की नासमझी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम पड़ी ठंडी। कन्या भ्रूण हत्या के चलते सेक्स रेशो बिगड़ा। रेवाड़ी लिंग अनुपात के मामले में दूसरे पायदान पर रहा। मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को करेंगी जागरूक। रेवाड़ी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज और आप सुन रहे हैं भारती राव को। रेवाड़ी जिला प्रशासन के तत्वाधान में जिले में घटते लिंग अनुपात के सुधार में जन जागरूकता की मुहिम शुरू की गई है। डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में बुधवार को शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रार्थना सभा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से जुड़ी ब्रांड एम्बेसडर एवं एक्टर मान्या सिंह ने बेटियों के माध्यम से घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने, बेटियों का सम्मान करने सहित बेटियों को सक्षम बनाने की दिशा में जागरूकता की अलख जगाने में सहभागी बनने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया। मान्या सिंह ने कहा कि मोदी जी ने 7 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की थी, उस पर काफी हद तक काम भी हुआ, लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ, लेकिन अब यह मुहिम ठंडी पड़ गई है जिसके कारण दोबारा से लिंग अनुपात में फर्क आ रहा है। रेवाड़ी जिला लिंग अनुपात के मामले में हरियाणा दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जिसके चलते अब उन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर दोबारा से इस मुहिम को शुरू करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत रेवाड़ी जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूक किया जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मान्या सिंह से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एक मुहिम चालू की थी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी तब भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बाहर आए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मुहिम चालू होके एकदम से गायब हो गई और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए अबाउट अ जेंडर रेशो। पर फिर से कहते ना कि एक डंका बचता है, तो आज वही डंके ने हमें जगा दिया दोबारा कि हमारा जेंडर रेशो फिर से गिर चुका है और इस बार तो लीस्ट पे हम बॉटम 2 में आ चुके हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर, और बहुत स्टार्टिंग से मैं ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहती थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब तक आपको प्रशासन का साथ नहीं मिलेगा, जैसे मैं 19 साल की हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी एज नहीं है मेरी, तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन चाहिए थी। जो बैकबोन मेरी अब डीसी सर बने, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू जो करना चाहती है इस मुहिम के लिए तू कर, और मैं आपके साथ हूँ। और कल परसों ही सर से बात हो रही थी और फिर हमने डिसाइड किया कि रेवाड़ी के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं वहाँ जाके लड़कियों में जो सेल्फ अवेयरनेस पहले क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक स्टूडेंट पावर है हमारे देश की वो बहुत स्ट्रांग है। आर यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, और कहीं ना कहीं हमारा यूथ अलग भटकता जा रहा है, तो मुझे उनको सबको लाइन पर लाना है और उन सबसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आज हम देश के काम नहीं आ पाए तो फिर कब? शहीद भगत सिंह जो थे उन्होंने कितनी छोटी एज में देश के लिए जान दे दी थी, और हम तो फिर भी अपने घरों में मस्त अच्छे तरीके से रहते हैं, हमें खाना मिलता है, रोटी मिलती है, तब भी हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे यूथ होने पर एक शर्म की बात है। तो बस वही है, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट दोबारा जगाना है लड़कियों में, क्योंकि अगर हमारे देश की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक एक लड़की जागरूक होगी अबाउट द जेंडर रेशियो ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, तो आई थिंक वो एक चेन बनता जाएगा और वो चेन कहीं ना कहीं पक्का से एक बदलाव लाएगा, जो मैं बिलीव करता हूँ। बहुत दुख होता है, मैं अपने मम्मी पापा की सिंगल चाइल्ड हूँ, एक सिंगल डॉटर हूँ, और 3 साल की उम्र से मेरी माँ पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। 105 अवार्ड ऐसे ही नहीं आए, बहुत मेहनत है उसके पीछे, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है जो सपोर्ट कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वो सपोर्ट है मेरे माँ बाप का, और कहीं ना कहीं सर दोनों तरफ से होता है। अगर मैं नहीं करना चाहती तो उनका सपोर्ट जायज़ नहीं था, पर मैं भी करना चाहती थी। 8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला शो किया था, और एक्टर बनना आज भी लोगों को जायज़ नहीं है लड़कियों के लिए कि हीरोइन बनेगी क्यों क्या रख, ऐसा नहीं है, कला का क्षेत्र है, भगवान कला बहुत कम लोगों को गिफ्ट में देता है, यू नो द गॉड गिफ्ट इट इज़ बहुत। और हमारे स्कूल के भी इतनी बच्चों में आज नृत्य देखा, उनके पैर जो थिरकते हैं, ये पैर टेक्निक सीखने में हम लोगों को बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो उनकी थाप आती है उस थाप से ही